उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण करें और किसी को कोई दिक्कत ना हो, अगर आवश्यकता हो तो NDRF SDRF के माध्यम से राहत सामग्री का वितरण किया जाए। जिन घरों में बाढ़ का पानी चला गया है उनको फूड पैकेट उपलब्ध करवाया जाए तथा गाँव में नाव की व्यवस्था किया जाए जिससे किसी बाढ़ पीड़ित को किसी तरह की समस्या ना हो। उन्होंने कहा जिन गांव में पानी घट रहा है वहां पर दवाओं का छिड़काव किया जाए, मेडिकल कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाए। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिकारियों का जो सभागार मौजूद है और आगामी त्योहारों की तैयारी और उन्हें सुशल संपन्न कराने के लिए दृष्टिगत बुलाई गई है। और मैं सबसे पहले तो पीड़ित अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ कि पूर्व में जो अभी तक जो त्यौहार हुए, चाहे वो नवरात्र का त्यौहार हो और अभी आज ही हाल में अभी जो PET के एग्जाम हुए हैं उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस और प्रशासन के अलावा अन्य बहुत सारे विभाग हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य है, चिकित्सा शिक्षा है, खाद्य रसद है, विद्युत, पंचायती राज, नगर विकास इत्यादि। इन विभागों के भी सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर सभागार में मौजूद हैं और फील्ड के भी इन विभागों के अधिकारियों को आज VC में आमंत्रित किया गया है। इन सभी विभागों को इनके दायित्वों के बारे में विभाग स्तर से भी और यहाँ पे मुख्यालय स्तर से भी शासन से भी अवगत कराया जा चुका है कि इनको क्या क्या करना है। विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य है, पंचायती राज है, नगर विकास और ऊर्जा, इनके द्वारा संक्षिप्त में अपने जो कार्योजना है आगामी त्योहारों के संबंध में उसको माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष चाहिए। यहाँ पे नहीं है उनकी बाढ़ से संबंधित तो नहीं पता ना, राहत कार्य प्रारंभ हुए? जी सर, राहत कार्य सर प्रारंभ हो गया है सर, कोई सर समस्या नहीं है। पानी का घटना भी शुरू हो गया है गांव के अंदर सर, पानी नहीं है सर गांव के चारों तरफ। और सर वहां पर उन लोगों के लिए जिनके घरों में पानी घुस गया तो उनके लिए भोजन पैकेट की क्या व्यवस्था है, नौकाओं की क्या व्यवस्था है, सूखा राहत के लिए राशन की आदि की व्यवस्था क्या है? सर कुल 6 ग्राम पंचायतें हैं जो इससे प्रभावित हैं और सर गांव के अंदर टेम्पो स्वयं जिला प्रशासन करें और कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए किसी भी बाढ़ पीड़ित को किसी भी स्तर पर कोई समस्या ना हो इसके बारे में। सर इसमें सर जो हमारा जिस ये डुमरियागंज इटवा और सोहरतगढ़ का पानी घटने लग रहा है सर, लेकिन पूरा सब काफी स्थित आया हुआ है सर, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। राहत कार्यों की स्थिति क्या है? राहत कार्यों में सर अभी तो जो गांव में लोग हैं सर उनको 2 टैक्स दिया जा रहा है, जहाँ पर ये जो आश्रय बनाए वहाँ पर पहुँचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं सर। तो सर राहत कार्य की पर्याप्त गति में से हमारा पानी घटता है, प्राप्त दिन हो जाता है, उसका उपयोग किया जाए। NDRF SDRF और PAC के जो प्लग यूनिट लगी हुई है इनके स्टीमर लोगों को राहत देने के लिए होना चाहिए, वहाँ पे घूमने के लिए नहीं और वहाँ पे लोग पर्यटन करने के लिए जाएं इसके लिए उसका इस्तेमाल न करने दें। बात समझ में जो उससे सर,